क्योंकि उस समय वहां पे राष्ट्रपति शासन था। शासन काल में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया। उस राष्ट्रपति शासन का दौर की महिलाओं के साथ बलात्कार किया, कश्मीर छोड़ने पे मजबूर किया। जो भी स्कैम थे उसमें से कोई भी आरोपी अभी तक। या अपने नेताओं से पूछ सकते हैं अगर गलत है तो। दूसरा, उस समय जो गृह मंत्री थे वो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद जी। और जिस जम्मू कश्मीर में पलायन कराया गया उस समय वहां के जो राज्यपाल थे, क्योंकि उस समय वहां पे राष्ट्रपति शासन था, उस राष्ट्रपति शासन के दौरान में वहां के जो राज्यपाल थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता तुर्रम खान। देखिएगा आप, यूट्यूब करिए, गूगल करिए, जो करना है। ये जानकारी गलत मिली, तुरंत FIR कराया मेरे ऊपर। लेकिन आज जो हकीकत है, ये जो कश्मीरी पंडितों के नाम पे रोते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा देश को कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया। और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति जो होम मिनिस्टर वहां पे थे, VP सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये हुआ। और इन्हीं मुफ्ती मोहम्मद सईद जी की लड़की जो थी महबूबा मुफ्ती, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। 4 अप्रैल सन 2016 से लेकर 19 जून 2018 तक 3 साल उस लड़की के साथ में, उस महिला के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। जिस व्यक्ति के पिता के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के हत्याएं की, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, कश्मीर छोड़ने पे मजबूर किया, यही इनका चेहरा है ये। और आरोप लगाते हैं दूसरे पार्टियों पे, इनकी वजह से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। खैर, ये सारा मामला हो गया। उसके बाद 2014 के पहले का आता है। 2010 में नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो सेना थी वो भ्रष्टाचार के एक मुद्दे को उजागर करते हैं कि देश के अंदर हजारों करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, जिसमें 2G स्कैम, कोयला स्कैम वगैरह वगैरह का लिस्ट थी पूरी, जिसके आधार पर भाषणों में चिल्ला चिल्ला के नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या किया? जो भी स्कैम थे उसमें से कोई भी आरोपी अभी तक जेल में नहीं है। सरकार बनाने से पहले इनके पास सारे सबूत थे। सोनिया गांधी जी के लाखों अरबों की संपत्ति थी, इनके पास सबूत थे। राहुल गांधी के, उनकी संपत्ति के इनके पास सबूत थे। प्रियंका वाड्रा के पास इनके पास सबूत थे, उनके हस्बैंड के, इनके सारे पूरे गांधी परिवार के पास इनके जो प्रॉपर्टी है, अरबों लाखों करोड़ रुपया स्विस बैंक में जमा, यहां प्रॉपर्टी वहां प्रॉपर्टी, ये सारे सबूत दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास थे। लेकिन आज लगभग 7 साल होने आया, आज तक एक भी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हुई, क्योंकि वो चीजें थी ही नहीं। आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसमें इनकी हकीकत पता चलेगी। आपने सुना होगा कांग्रेस जब सत्ता में थी 2010 में एक रिपोर्ट आती है कि देश के अंदर 2G स्कैम हुआ है, जिसमें 1,76,000 करोड़ रुपया देश का पैसा भ्रष्टाचार में बलि चढ़ गया, जिसको आधार बना के नरेंद्र मोदी जी बार बार सीना चौड़ा करके चिल्लाते थे कि देखो देश का पैसा ये कांग्रेसी खा गए। और फिर क्या होता है, सत्ता में आते हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, पद की शपथ लेते हैं, उसके बाद कोर्ट में मामला चलता है, जांच एजेंसी इनके पास, सारी प्रशासन सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, उसके बावजूद क्या होता है देखिएगा जरा। ये हुआ है उस केस में। नीलामी के ही कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस का आवंटन कर दिया गया और इससे देश को 1,76,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। काफी हंगामे के बाद 2G लाइसेंस मामले की जांच CBI को सौंपी गई। ए राजा, कणिमोझी और शाहिद बलवा समेत कई आरोपी जेल गए। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 2G के 122 लाइसेंस रद्द कर दिए, लेकिन 7 साल बाद दिल्ली के स्पेशल CBI कोर्ट के फैसले ने सबको चौंका दिया। 2G मामले के सभी आरोपी बरी कर दिए गए। सरकारी पक्ष आरोपियों पर आरोप साबित करने में नाकाम रहा। दिल्ली के पटियाला हाउस में विशेष अदालत में ए राजा, कणिमोझी के अलावा शाहिद बलवा, करीम मोरानी समेत सारे आरोपी मौजूद थे। The entire case is cooked up, the entire case is
having no basis? Because we're all happy. I mean, it's been a very difficult experience. It was an emotional loss. फैसले के पेज नंबर 1544 में जज ओपी सैनी ने लिखा है, 7 साल से मैं काम के सभी दिन सुबह 10 से 5 बजे तक कोर्ट में बैठता था कि कोई तो सबूत लेकर आए, लेकिन कोई नहीं आया। इससे पता चलता है कि हर कोई अफवाह, सुनी सुनाई बातों, अटकलों पर अपना नजरिया बना रहा था, लेकिन सुनी सुनाई बातों की कानून की प्रक्रिया में कोई जगह नहीं होती। मनी लॉन्ड्रिंग केस का फैसला पढ़ने के बाद अदालत ने एसआर मामले में फैसला पढ़ा और उसमें भी सबको बरी कर दिया। जज ओपी सैनी ने पेज नंबर 1550 और 1551 में लिखा है, इस केस की जड़ में ए राजा की जिम्मेदारी इतनी नहीं बनती है जितनी की दूसरों की बनती है। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इस साजिश के जनक ए राजा हैं। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जिससे ये साबित हो कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, साजिश रची है या भ्रष्टाचार किया है। ए राजा 2010 में डीएमके के कोटे से यूपीए सरकार में टेलीकॉम। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, 1,76,000 करोड़ रुपया घोटाला कहां हुआ आपने देखा। सारे के सारे आरोपी बरी हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, इनकी जो जांच एजेंसियां हैं, इनकी सत्ता में रहते हुए इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई भी सबूत जमा नहीं कर पाए। अरे करेंगे कैसे, जब हुआ होगा तो करेंगे ना। वैसे ही ये कहते हैं देश को बर्बाद कर दिया कांग्रेसियों ने, लाखों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार किया, लेकिन आज तक किसी भी कांग्रेसी के ऊपर, इनका किसी भी नेता के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आखिर इनके पास इतने ही सबूत थे तो वो सबूत गए कहां पे? और नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं इनके ऊपर? अगर इतना भ्रष्टाचार हुआ है तो सबसे बड़ी बात, हमारे देश के अंदर 40 शहीद, हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं पुलवामा घटना के अंदर, जिसके एनआईए जांच होती है। एनआईए जांच के जो प्रमुख हैं अजीत डोभाल जी खुद हैं। 2000 नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एनआईए जब जिस आरोपी को पुलवामा के घटना के आरोपी बना के कोर्ट में रखती है, वो आरोपी बरी हो जाता है, उसको जमानत मिल जाती है और कोर्ट ये कहती है कि एनआईए पिछले 1 साल के अंदर कोई भी सबूत जमा नहीं कर पाई है। ये तो हमारे देश की हालत है। और हम विदेशों में विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हम बने हैं। आज से पहले ऐसी चीजें नहीं हुई थी देश के अंदर कि अमेरिका हमारा कॉलर पकड़ के हमारे से दवाई मांगता है कि दे रहा है कि नहीं मैं बताऊ तुझे, और हमारा देश 56 इंच सेना के साथ में, नेतृत्व के साथ में, हम उसके चरणों में गिर जाते हैं।